जोहार साथियों, आपके डिमांड पर शिवांगन पब्लिकेशन आपको किताब के साथ ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस प्रस्तुत करने जा रही है। मैं रवि सर, शिवांगन पब्लिकेशन के तरफ से एक नई प्रस्तुति है। तो आइए, आज के चैप्टर में हम लोग विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है एज यू लाइक इट, इसको रोमांटिक कॉमेडीज के अंतर्गत रखते हैं हम लोग। तो इससे जो एमसीक्यूज है, डिटेल चैप्टर पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, क्योंकि अपना आकलन करना जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस चैप्टर में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। यह एक रोमांटिक कॉमेडीज है, विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो है, ठीक है, 1623, उसी में यह जो है पब्लिश हुआ था। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा और एक एक करके इसको बनाने का प्रयास करते हैं विथ एनालिसिस। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज ऑरलैंडो टॉकिंग टू इन ऑर्चर्ड एट द ओपनिंग ऑफ द प्ले, यानी इस प्ले के एक्ट वन और सीन वन में ये कहानी जब स्टार्ट होती है तो यहाँ पे ऑरलैंडो नाम का एक कैरेक्टर है, पूछ रहा है कि ऑरलैंडो जो है किससे बात कर रहा है और वह बात कहाँ कर रहा है, ऑर्चर्ड यानी बागीचे में, ठीक है, और यह जो है ओपनिंग सीन में ही है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि ऑरलैंडो किससे बात कर रहा है। तो यहाँ जो बात कर रहा है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, ऑरलैंडो जो है अपने नौकर के साथ, उसका गार्जियन का भी रोल है, क्योंकि ऑरलैंडो और लिवर के पिताजी जब डेथ कर जाते हैं, व्हेन हिज फादर डाइड, तो उसी समय जो है ये लोग बात कर रहे हैं मरने के बाद, और एज ए गार्जियन की भूमिका में भी है एडम, इसका नौकर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडम, क्या हो जाएगा, एडम हो जाएगा। थोड़ा सा कहानी को थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। ऑरलैंडो जो है, ठीक है, एडम से बात कर रहा है बागीचे में, और उसी समय जो है इसका फिर भाई बाद में आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हु इज ऑरलैंडो टॉकिंग टू इन द ऑर्चर्ड एट द ओपनिंग ऑफ द प्ले, तो इसका सही जवाब हो गया ऑरलैंडो जो है बागीचे में किससे बात कर रहा है, एडम से बात कर रहा है, पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया। आई नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और हम लोग देखेंगे कि कैसे, ठीक है, आगे की कहानी बढ़ती है। प्रश्नों को इस तरीके से सीक्वेंस में अरेंज किया गया है कि आप कहानी को भी समझते जाइएगा, क्लियर है। तो आइए हम लोग देखते हैं, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ ऑरलैंडो एंड ओलिवर हु रिसेंटली पास्ड अवे। अभी कहानी जब आगे बढ़ती है तो इसमें दिखाया जाता है कि ऑरलैंडो और ओलिवर के जो पिताजी हैं, फादर हैं, ठीक है, वह एक्सपायर कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कौन है ऑरलैंडो और ओलिवर के पिताजी। तो जवाब बताइए, पहला ऑप्शन है सर एडम, दूसरा ऑप्शन है ड्यूक सीनियर, तीसरा है सर रोलैंड, और चौथा ऑप्शन है ड्यूक फ्रेडरिक, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सर रोलैंड, क्या होगा सही जवाब, सर रोलैंड। तो इसका आंसर आप लोग टिक कर लीजिए, सर रोलैंड, क्या होगा, सर रोलैंड। तो इसका सही जवाब आपका हो गया सर रोलैंड। सर एडम कौन है, तो इसका नौकर है बताए थे, ड्यूक सीनियर कौन है, तो वहां का वर्तमान किंग है, ठीक है, ड्यूक सीनियर पहले का किंग था, जिसको ड्यूक फ्रेडरिक यानी जंगल भेज दिया है, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में भेज दिया है, और वह अपने साथियों के साथ ड्यूक सीनियर जंगल में ही रह रहा है, और ड्यूक फ्रेडरिक जो है वहाँ का रूलिंग संभाल रहा है। तो इन दोनों के पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, फादर्स का नाम पूछा जा रहा है, किसका, ऑरलैंडो और ओलिवर के पिताजी का नाम। तो उसका सही जवाब है सर रोलैंड, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, अब यहां पे एक प्रश्न है, हाउ मेनी क्राउन्स इज ऑरलैंडो लेफ्ट बाय हिज लेट फादर, क्या है, पैसिव वॉइस में यह सेंटेंस जो है बना हुआ है, यह सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का है, तो समझिएगा क्या है, हाउ मेनी क्राउन्स, कितना क्राउन जो है ऑरलैंडो लेफ्ट यानी ऑरलैंडो के लिए छोड़ा गया था बाय हिज लेट फादर, यानी जो उसके पिताजी डेथ कर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो यहां पे अमाउंट याद रखना है,
और यह भी याद रखिएगा आप, चूंकि कभी-कभी एग्जाम में आपसे क्या करेगा, ट्रिकी क्वेश्चन पूछ देता है। क्या ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा? तो ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि यह जो 1000 अमाउंट है, क्या है यह अमाउंट 1000 का है, 1000 का अमाउंट जो है यह जो है वन थाउजेंड का जो अमाउंट है, ठीक है, यह जो है इसका यूनिट क्या है, क्राउन। ऑप्शन में कभी देगा 1000 क्राउन, 1000 पाउंड, 1000 शिलिंग, इस तरीके से 1000 डॉलर। तो याद रखिएगा कि यह जो है 1000 क्राउन है, क्राउन्स, वहां का कंट्री का जो मुद्रा है वह क्राउन में यहां बताया गया है। तो यूनिट भी याद रखना है 1000, और यह यूनिट भी ठीक है याद रखना है कि क्राउन है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखते चलते हैं। क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? फोर, व्हाट डिड ऑरलैंडोज फादर इंटेंड द क्राउन्स टू गो टुवर्ड। हिंदी अर्थ समझिएगा, मीनिंग समझिएगा, तभी जवाब दे पाइएगा। सही सही बोलता है, फॉर व्हाट डिड ऑरलैंडोज फादर इंटेंड, यानी ऑरलैंडो के पिताजी जो पैसे छोड़े थे वो क्या इंटेंशन से, क्या सोचकर जो है वह पैसे जो है छोड़े थे, टू गो टुवर्ड, वो किस चीज में खर्च होनी चाहिए थी, इन व्हाट, ठीक है, इन व्हाट मैटर और द टॉपिक दैट शुड बी इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे सीधा कहानी में आप लोग जैसा कि पढ़े हैं कि वह पैसे छोड़ा गया था ऑरलैंडो की पढ़ाई के लिए। किसके लिए? ऑरलैंडो की पढ़ाई के लिए। तो बाकी सारे वो ऑप्शन गलत है, ऑरलैंडोज वेडिंग भी गलत है, ऑरलैंडोज एजुकेशन क्या है सही है, यानी उन पैसों से ऑरलैंडो की पढ़ाई लिखाई क्या करना था, जारी करवाना था और कंटिन्यू रखना था। लेकिन उसका भाई ऑलिवर ऐसा नहीं होने देता है, वह पैसे को जो है दूसरे मदों में, अन्य खर्चों में जो है खर्च करना चाहता है और कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ, पांचवा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5th, जैसा कि आप लोग कहानी में जो है देख चुके हैं, कहानी ठीक है सुन चुके हैं, तो हुम डज ऑलिवर फिनेंशियली सपोर्ट इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग ऑरलैंडो। वो जो पैसा था 1000 क्राउन, वह पैसा रियल में एक्चुअली देना किसको था? ऑरलैंडो की पढ़ाई के लिए। लेकिन ऐसा नहीं करके वह पैसे किसको दे देता है, या किस चीज में खर्च कर देता है, एक्सपेंड कर देता है? तो यह जैक्यूस जो है, जैक्यूस को यह पैसे दे देता है, ठीक है, क्योंकि ऑरलैंडो से ऑलिवर यानी उसका बड़ा भाई बड़ा ईर्ष्या करता था। क्या करता था? ईर्ष्या करता था, इसी कारण से उस पैसे को ठीक है जैकवस को दे देता है। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अब आइए आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखें कि क्या प्रश्न है और क्या जवाब होगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्हाट डज ऑलिवर डू, ऑलिवर क्या करता है, व्हेन ऑरलैंडो डिमांड्स दैट ऑलिवर गिव हिम द मनी दैट वॉज लेफ्ट बाई देयर फादर। यहां कहने का मतलब यह है कि वट डज ऑलिवर डू, ऑलिवर यानी कि ऑरलैंडो का बड़ा भाई, ठीक है, क्या करता है जब ऑरलैंड ठीक है ऑलिवर जो है अपने पैसे मांगता है, जो उनके पिताजी के द्वारा छोड़ा गया पैसा था, वह पैसा मांगने पर ठीक है ऑलिवर के साथ ऑरलैंडो कैसा ट्रीटमेंट करता है, यह बात यहां पे पूछा जा रहा है। तो कहानी जैसा कि आप लोग पढ़े हैं और जानते हैं कि जब यह पैसे की डिमांड करता है और मांगता है तो उसको कस के एक थप्पड़ जो है मार देता है। क्लियर है? तो ऑप्शन क्लियर है, स्लैप सिम, स्लैप का मतलब क्या होता है, थप्पड़ मारना। तो आंसर आपका हो जाएगा स्लैप्स हिम। क्या हो जाएगा? स्लैप्स हिम। चलिए तो आंसर सी में है, स्लैप्स हिम, इसलिए आंसर सी कर लीजिए। 6th क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, स्लैप्स हिम। चलिए आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है, व्हाट डज डेनिस टेल ऑलिवर दैट ड्यूक फेडरिक हैज डन टू ड्यूक सीनियर। यहाँ पे एक कोर्ट का दरबार का आदमी है डेनिस, और डेनिस की बात ऑलिवर से होती है, और यह बात उस समय हो रही है, ठीक है, जिस समय यह जो है चाल से रेसलिंग मैच होता है वह जीत जाता है, उस समय बतलाता है कि क्या हुआ था कहानी, और क्यों जो है ड्यूक फेडरिक जो है तुम्हारे पिताजी से घृणा करता था और उनको ठीक है निकाल दिया था, किसके साथ, ड्यूक सीनियर के साथ ही। तो वही वाला घटना का यहाँ पे बात पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न फिर से एक बार देखिए और इसका अर्थ लगाइए और सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। व्हाट डज डेनिस टेल ऑलिवर, डेनिस जो है ऑलिवर से क्या कहता है, दैट ठीक है ड्यूक फेडरिक हैज डन टू ड्यूक सीनियर, यानी कि ड्यूक फेडरिक ने ड्यूक सीनियर के साथ क्या किया था, ठीक है, ड्यूक सीनियर के साथ क्या किया था। तो ड्यूक फेडरिक जो है यह छोटा भाई है और यह इसका बड़ा भाई ड्यूक सीनियर है जो पहले राजा था यहाँ पे। यह ड्यूक फेडरिक जो है इसको जबरदस्ती गद्दी से उतार कर अपने राजा बन जाता है और ड्यूक सीनियर को फॉरेस्ट ऑफ अर्डन उनके साथियों के साथ भेज देता है, और इसी को बोलते हैं बैनिस डीम, उसको देश निकाला कर दिया था, उसको वहां से निकाल दिया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी, क्लियर है, मारता भी नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं करता है, वहां से बोलता है कि आप देश से निकल जाइए, आपको नुकसान हम नहीं पहुंचाएंगे, मारेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन हो गया, अब आप बारी आती है क्वेश्चन नंबर एट की, तो आइए हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर एट में क्या है। देखिए शिवांगन पब्लिकेशन का जो चैनल है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एट, आठवां प्रश्न क्या है, हु इज बीइंग केप्ट एट कोर्ट एज अ कॉम्पेनियन टू सीलिया। सीलिया कौन है, जैसा कि कहानी में आप लोग पढ़े हैं, सीलिया जो है ठीक है ड्यूक फेडरिक का डॉक्टर है, और ड्यूक फेडरिक के साथ इसमें पूछा जा रहा है कि सीलिया के साथ कौन रहता था उस राजदरबार में या उस महल में। तो उसकी जो चचेरी बहन है, ठीक है, कजन है, वह क्या है, उसका नाम रोजेलिंड है, और रोजेलिंड जो है इसके साथ रहती है, क्योंकि सीलिया और रोजेलिंड के बीच में बड़ा स्ट्रोंग बॉन्डिंग है, एकदम ट्रू सिस्टर वाला, ट्रू जो है रिलेशन, और बहुत एक दूसरे को चाहते हैं। तो यही बात पूछा जा रहा है, हु इज बीइंग केप्ट एट कोर्ट एज अ कॉम्पेनियन टू सीलिया, कोर्ट में सीलिया के कॉम्पेनियन के तौर पर ठीक है किसको रखा जा रहा है, ड्यूक फेडरिक्स डॉक्टर, कौन है ड्यूक फेडरिक डॉक्टर, सीलिया। तो आइए इसका सही जवाब क्या हो गया, रोजेलिंड। रोजेलिंड कौन है, सीनियर ड्यूक जो है, सीनियर ड्यूक, ठीक है, सीनियर ड्यूक मतलब सीनियर ड्यूक फेडरिक, जिसको जो है ड्यूक फेडरिक निकाल दिया है, बैनिस्ट कर दिया है, उसी के बेटी का नाम रोजेलिंड है, और जो वर्तमान अभी किंग है, यानी कि फेडरिक, ड्यूक फेडरिक या जूनियर ड्यूक फेडरिक बोल सकते हैं, उसकी बेटी का नाम सीलिया है, और रोजेलिंड जो है सीलिया के साथ ही कोर्ट में रहती है, यानी राजमहल पैलेस में रहती है। यही बात यहाँ पे पूछी जा रही थी आपसे। देखिए प्रश्नों का बिल्कुल सही सही जवाब देने के लिए प्रश्नों को पहले सही तरीके से समझना होगा, और उसके बाद जो है फैक्ट्स आपको आनी चाहिए, अगर एनालिटिकल क्वेश्चन है तो वहां पे एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे सामने है, क्या है प्रश्न, देखिए, व्हाट डज चार्ल्स कम टू कोर्ट टू वार्न ऑलिवर अबाउट, क्या प्रश्न हुआ। चार्ल्स जो है उस राजदरबार का क्या है, ठीक है, रेसलर है, रेसलर पहलवान जिसको बोलते हैं, पहलवानी करता है, तो वह जो है कोर्ट में आता है, कोर्ट कहाँ, राजदरबार, ठीक है, और वहां पे ऑलिवर क्या बोलता है, टू वार्न ऑलिवर अबाउट, ऑलिवर को वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए, ठीक है, कि अपने भाई को तुम समझा दो, ठीक है, क्या समझाने के लिए, कि वह हमसे कुश्ती लड़ने के लिए जो है ठीक है मैच में क्या लिया है, इंट्री लिया है, उसको समझा दो नहीं तो उसका जान चला जाएगा। तो क्या है,
समझाने के लिए यही बोलता है कि वह अपना रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अपना जो है नॉमिनेशन वापस ले ले, ठीक है। तो आइए क्या बोलता है, दैट ऑरलैंडो विल रेसल हिम, दैट ऑरलैंडो विल किल हिम, दैट ही विल बैंकरप्ट, दैट द पीजेंट्स आर रिवोल्टिंग। तो आप जवाब सोचिए कि क्या बोलता है, क्या बोलता है, ठीक है। ऑरलैंडो, दैट ऑरलैंडो विल रेसल हिम, यही बताता है कि तुम्हारा भाई जो है हमसे कुश्ती लड़ने की तैयारी कर रहा है, और उसको समझा दो। क्या समझाने के लिए बोलता है, कि वह अपना नॉमिनेशन वापस ले ले, जो आगे के प्रश्न में भी आएगा। क्लियर है? तो दैट ऑरलैंडो विल रेसल हिम, ऑरलैंडो जो है उससे कुश्ती लड़ने जा रहा है, ऐसा वह जो है, ठीक है, एंट्री ले चुका है, नॉमिनेशन करा चुका है, जबकि वह बेचारा चाहता भी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है 10 में, व्हाट डज चार्ल्स आस्क ऑलिवर टू डू अबाउट ऑरलैंडो। बोलता है चार्ल्स क्या बोलता है ऑलिवर को, ठीक है, ऑरलैंडो के बारे में क्या बोलता है, टू गिव हिम हिज इनहेरिटेंस, टू किल हिम, टू टॉक हिम आउट ऑफ द मैच, ठीक है। यही बात बोलता है जो अभी कहानी में बता रहे थे, कि बोलता है कि अपने भाई ऑलिवर, तुम सुनो, अपने भाई ऑरलैंडो को क्या करो, बोलो कि मैच से जो कुश्ती वाला में रजिस्ट्रेशन लिया है, एंट्री लिया है, वहां पे क्या करे, वह अपना नाम वापस ले ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी हड्डी पसली जो है टूट जाएगी, वह जान से भी हाथ धो सकता है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका जो होने जा रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है कि कौन सही जवाब हो सकता है, विच माइट बी द राइट आंसर, और वह है क्या, टू टॉक हिम अबाउट, ठीक है, टॉक हिम आउट ऑफ द मैच, यानी वह रेसलिंग मैच से कौन, ऑरलैंडो अपना जो है नाम वापस ले ले, या कौन कहता है, चार्ल्स कहता है। चार्ल्स कौन है, कोर्ट का जो है रेसलर है, बहुत पहलवान है, और कई मैच लगातार वह जीतते आ रहा है कई वर्षों से, और किसको बोलता है, ऑरलैंडो के बड़े भाई ऑलिवर को बोलता है कि ऐसा तुम बोलो अपने छोटे भाई के हो कि वह अपना नाम वापस ले ले कुश्ती से। लेकिन उसका भाई इतना बड़ा दुष्ट कि वह नहीं बोलता है और उसे झूठ जानकारी देता है। चलिए आगे के प्रश्नों में इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए शिवांगन पब्लिकेशन का किताब भी बाजार में जो है उपलब्ध है आपका, पीजीटी इंग्लिश के लिए, और यह किताब बड़ा शानदार है। इसमें ऐसे तो बाजार में पीजीटी इंग्लिश के नाम पे कई किताबें बिक रही है, लेकिन इस किताब की बात ही कुछ, ठीक है, अनूठी है। यह एक शानदार किताब है जो आपके सिलेबस पर, आपके सिलेबस के लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड पे बनाया गया है, आपके सिलेबस के सारे चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के आप सीख सकते हैं, जिससे कि आपकी सफलता में चार चांद लग सकती है, आप सफलता के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं, ठीक है। तो यह शिवांगन की ही किताब है, मेरी ही लिखी गई, यानी रवि सर के द्वारा। तो इस किताब को आप पढ़िए, ठीक है, और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि बाजार में जितनी भी किताबें हैं वो आपके सिलेबस पे नहीं है। किसी किताब में 20% आपका सिलेबस का टैली करता है, किसी किताब में 10% है, किसी किताब में वह भी नहीं है। और जब तक टू द पॉइंट अपने सिलेबस के हिसाब से आप आगे नहीं बढ़िएगा, अपनी तैयारी नहीं कीजिएगा, तब तक सफलता की उम्मीद और आशा करना बेईमानी होगी। तो आइए, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ें। यही बात जो है आपको यहाँ पे कुछ बताया गया है, क्या बताया गया देख लीजिए, पीजीटी परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए शिवांगन पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए जो है ऑब्जेक्टिव सेशन आपको मिलते रहेगा, और अपनी तैयारी को निश्चित आयाम दें, विषय विशेषज्ञों द्वारा टेस्ट सीरीज सभी व्याख्या के साथ यहाँ पे शिवांगन पब्लिकेशन पे जो है उपलब्ध होगा, ठीक है। और इसमें वैसे टीचर काम कर रहे हैं जो पिछली बार सफलता के जो है परचम गाड़ चुके हैं, सफलता का एक नया इतिहास लिख चुके हैं। तो आप जरूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा यदि निश्चित आप सफल होना चाहते हैं, क्योंकि बाजार में टीचर बहुत हैं, किताबें बहुत हैं, लेकिन जब तक आपका सही मेंटोर नहीं हो, जब तक सही किताबें आपके साथ नहीं हो, तब तक सफलता नहीं मिलती है,
ये आप भी समझते हैं और जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे टेस्ट के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट जो है उपलब्ध हैं आपका, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, तो सभी क्लासेस का जो है टेस्ट सीरीज लगभग बन के तैयार हो चुका है और जल्द ही आप लोगों को मौका मिलेगा प्रैक्टिस के लिए और अपना क्षमता आंकने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी धार पकड़ी है और कितना बेहतरीन तैयारी आप करके रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रश्नों को देख रहे थे, आप लोग शिवांगन पब्लिकेशन का जो चैनल है, ऐप है, वह डाउनलोड कर लीजिएगा और जो भी नई जानकारियाँ होगी, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेगा, वह ठीक है मिलते रहेगा टाइम टू टाइम, जब भी कुछ नया एक्टिविटीज़ या आपके लिए बेहतर चीज़ें आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज ऑलिवर डू इन ऑर्डर टू कन्विंस चार्ल्स टू कैरी आउट हिज प्लान टू किल ऑरलैंडो। क्या मतलब हुआ कि ऑलिवर जो है क्या करता है, जबकि उसको करना चाहिए था क्या, चार्ल्स को कन्विंस करना चाहिए था कि क्या है, ठीक है, सॉरी, व्हाट डज ऑलिवर डू इन ऑर्डर टू कन्विंस चार्ल्स टू कैरी आउट हिज प्लान टू किल ऑरलैंडो। बोलता है ऑलिवर जो है, ठीक है, वह चाहता था, ठीक है, अपने भाई को मरवाना, लेकिन वह चार्ल्स के सलाह के हिसाब से ऑरलैंडो यानी अपने भाई को क्या करता है, वह कुछ नहीं बताता है, झूठ बोल देता है, ठीक है, और वह जो है कुश्ती फाइनली हो जाती है। तो आइए यही बात पूछा जा रहा है कि क्या बोलता है वह, ठीक है, चार्ल्स के सलाह के बाद। तो चार्ल्स के सलाह के बाद जो है वह अपने भाई, ठीक है, वह चार्ल्स से झूठ लाकर बोल देता है कि हम उसको बहुत समझाए थे, किसको, अपने भाई को, ऑरलैंडो को, लेकिन वह नहीं माना और वह बोलता है कि मैं चार्ल्स को उठाकर पटक दूंगा, आई विल टम्बल डाउन द चार्ल्स और आई विल ब्रोक इच एंड एवरी बोन्स ऑफ चार्ल्स, जबकि ये झूठी बात होती है। इस तरह की बात कोई भी ऑरलैंडो नहीं बोलता है, किसको, अपने बड़े भाई ऑलिवर को, लेकिन यह बात झूठ जाके बोलता है कौन, ऑलिवर, किसको बोलता है, चार्ल्स को बोलता है। क्लियर है? तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या प्रश्न है। देखिए इस चैप्टर में आप लोग को, ठीक है, केवल इतना प्रश्न बनाने से आप सफलता का जो है, ठीक है, अगर सपना देख रहे हैं तो वह जो है गड़बड़ होगी। आपको इस चैप्टर से प्रश्नों की संख्या आने की संभावना कितना है, 2 से 3 प्रश्न, ठीक है, 2 से 3 प्रश्न। इसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगा MCQ प्लस PY के फॉर्म में लगभग कितना प्रश्न, लगभग 200 क्वेश्चन। इतना बनाने के बाद आप ये श्योर हो सकते हैं कि 2 से 3 प्रश्न आप 100% बना पाइएगा। अगर कहीं आप 30, 20, 50 क्वेश्चन बना के सोचते हैं कि यही आ जाएगा, संभावना ऐसा नहीं, संभावना और किस्मत पे के घोड़े पे सवार होने की कोशिश मत कीजिए, मेहनत के घोड़े पे सवार होइए, कभी भी जो है आपको धोखा नहीं मिलेगा और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। तो इसमें कंप्लीट आपको 200 MCQ मिलेगा और प्लस में मॉडल सेट का भी कलेक्शन मिलेगा, लगभग 20 मॉडल सेट। मॉडल सेट कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ना है, सारे ड्रामा, नोवेल, ऑटोबायोग्राफी, पोएम, लिटरेरी एज, विक्टोरिया, ठीक है, रोमांटिक और विक्टोरियन एज, ये सभी से मिला के जिस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, जैसे 150 प्रश्न होगा तो एक रेशियो में आता है कि कौन सेक्शन से कितना प्रश्न, तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन पहले टॉपिक वाइज, चूँकि पहले कमांड, पहले तो आपको एकदम गो थ्रू द बुक्स जाना चाहिए, सारे जो कहानी है एक्ट वाइज, सीन वाइज, अगर कोई नॉवेल है तो उसका जो है चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज, ठीक है, सब डिटेल पढ़ के समझ के तब पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार चैप्टर वाइज सारे कर लिए तो उसके बाद क्या करना है, सारा फिर 150 का जो मॉडल सेट होता है, आइडियल सेट होता है, उससे प्रैक्टिस कीजिएगा और तब अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपना क्वालिटी लेवल और सक्सेस रेट को अब जांच सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रश्न क्या था,
फॉर व्हाट रीजन डज ओलिवर हेट हिज ब्रदर ऑरलैंडो। प्रश्न है कि किस कारण से ओलिवर यानी कि ऑरलैंडो का बड़ा भाई जो है, यह ओलिवर अपने छोटे भाई ऑरलैंडो से घृणा करता है, हेट करता है। तो इसका सही जवाब होगा क्या, ऑरलैंडो इज लाइक हिज फादर, यानी ऑरलैंडो जो है अपने पिताजी की तरह बिल्कुल एक सीधा साधा और आइडियल पर्सन था, वह एक लॉयल व्यक्ति थे इनके पिताजी, यह भी लॉयल व्यक्ति है और कई सारी खूबियाँ जो थी ठीक है उसके जो पिताजी में थे वही सारे गुण क्या है ऑरलैंडो में है, और इन्हीं सब कारणों से यह इसका बड़ा भाई ओलिवर इससे क्या करता है, हेट करता है, घृणा करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। What does सिलिया promise Rosalind? सिलिया कौन है, Rosalind की चचेरी बहन है, और सिलिया कौन है, ड्यूक फेडरिक की क्या है, डॉक्टर है, और Rosalind जो है सीनियर ड्यूक फेडरिक की क्या है, डॉक्टर है, दोनों क्या हो गए, चचेरी बहन। और यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिलिया क्या प्रोमिस करती है Rosalind से जब ये लोग साथ में महल में कोर्ट में रह रहे थे। विल हैपन वेन हर फादर ड्यूक फेडरिक डाइज, यह बोलती है कि जब मेरे पिताजी ड्यूक फेडरिक जो है ठीक है डेथ कर जाएंगे, मर जाएंगे, तो तुम्हारे पिताजी के साथ क्या होगा, यानी कि जो तुम्हारे पिताजी हैं जंगल में हैं उन्हीं को फिर से सत्ता यानी गद्दी मिल जाएगा, यही जवाब होगा। आइए खोजिए इसमें चारों में कहाँ पे जवाब है। पहला है Rosalind एंड ऑरलैंडो विल बी अलाउड टू मैरी, ये बात नहीं है। Rosalind's फादर्स फॉर्चून विल बी रिस्टोर्ड, यस Rosalind के पिताजी का जो भाग्य है वह क्या हो जाएगा, रिस्टोर्ड हो जाएगा। इट मीन्स इनके पिताजी Rosalind के पिताजी फिर से क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, यदि सिलिया के पिताजी यानी कि ड्यूक फेडरिक की डेथ हो जाती है इस कंडीशन में। क्लियर है, तो नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि हु इज द कोर्ट फूल, कोर्ट का जो है फूल यानी कि मूर्ख जो है कौन है, ठीक है, जिसको जोकर बोलते हैं हम लोग, हंसाने का काम करता है, इंटरटेनमेंट का काम करता है। तो यहां पे आप देख लिए एडम कौन है, नौकर है, डेनिस कौन है, कॉर्टियर है, चार्ल्स रेसलर कौन है, चार्ल्स जो है कोर्ट का दरबारी है। तो यह जो टच स्टोन है, टच स्टोन बड़ा पॉपुलर कैरेक्टर है, यही जो है क्या है, हंसाने का काम करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा टच स्टोन, याद रखिएगा हु इज द कोर्ट फूल, ठीक है, यानी कि एज यू लाइक इट में जो दरबार में जो फूल का काम करता है यानी हंसाने का, इंटरटेनमेंट का, जोकर का, उसका नाम है टच स्टोन। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 में, व्हाट डज ली बाओ टेल Rosalind एंड सिलिया दैट दे हैव मिस्ड। ली बाओ कोर्ट का ही एक आदमी है, वह जो है जब मिलता है किससे, ठीक है, Rosalind और सिलिया से, तो बोलता है कि अरे व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्या कर रहे तू लोग, ठीक है, वहां पर बड़ा जबरदस्त मैच हो रहा था, आप लोग तो मिस कर गए, बड़ा शानदार मैच, एक नवयुवक आया है, ठीक है, क्या है, एक नवयुवक आया है जिसका नाम क्या है, ऑरलैंडो है, और वह दरबार का जो रेसलर है जिसका नाम चार्ल्स है उससे बड़ा भयानक लड़ाई हो रहा है। तो क्या है, गुड रेसलिंग मैच, यानी तुम लोग दोनों जो है गुड रेसलिंग मैच क्या कर दिए हो, मिस कर दिए हो, ऐसा बोलता है। तो इसके सुनने के बाद जो है लोग मैच देखने चले जाते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट डज ड्यूक फेडरिक टेल Rosalind एंड सिलिया ही ट्राइड टू डू आफ्टर, ठीक है, क्या है, इंटरिंग द कोर्ट, बोलता है व्हाट डज ड्यूक फेडरिक टेल Rosalind एंड सिलिया He tried to do after entering the court. यहाँ पे देखिए एक सवाल है
कि जब ये दोनों बच्चियां जो है, दोनों लड़कियां जो है मैच को देखती है, तो देखती है क्या है कि एक बड़ा लंबा चौड़ा मोटा ताजा आदमी जिसका नाम चार्ल्स है, कोर्टियर का वह क्या है, कोर्ट का रेसलर है, और देखता है एक पतला दुबला यंग लड़का जो है ऑरलैंडो जो है क्या करता है, वह कुश्ती लड़ रहा है। तो निश्चित रूप से सभी को यही लग रहा था कि चार्ल्स आज ऑरलैंडो की जान ले लेगा, मार देगा, एक बेचारा सीधा साधा नेक आदमी मारा जाएगा। इस बात में ठीक है रोजेलिंड और सीलिया अपने पापा, ठीक है क्या है, सीलिया अपने फादर ड्यूक फ्रेडरिक से और रोजेलिंड अपने अंकल ड्यूक फ्रेडरिक से मिलकर क्या बोलते हैं कि क्या उन लोगों को मना नहीं किए थे, तो उसके जवाब में यह क्या बोलता है ड्यूक फ्रेडरिक कि मैंने मना किया था। चलिए क्या मना किया था, ऑप्शन देख लीजिए कौन है, इम्प्रेस ठीक है, इम्प्रेशन ऑरलैंडो, इंटर द मैच ठीक है, कैंसिल द मैच, टॉक ऑरलैंडो आउट ऑफ द मैच। क्या किया था, ऑरलैंडो से बात किया था कि मैच से अभी भी टाइम है तुम बाहर हो जाओ, क्या बोला था, अभी भी टाइम है तुम मैच से बाहर हो जाओ, ऐसा जवाब इनका था ठीक है। तो आइए कौन सा जवाब हो गया, आपका जवाब हो गया टॉक ऑरलैंडो आउट ऑफ द मैच, टिक कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, व्हाट डज, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज ऑरलैंडो इंड अप डूइंग टू चार्ल्स, ठीक है कैसे ऑरलैंडो जो है चार्ल्स को क्या करता है, समाप्त कर देता है यानी मैच को फिनिश कर देता है, नॉक सीम आउट यानी फाइनली उसको क्या करता है डिफीट कर देता है, हरा देता है ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा यानी जो मैच हो रहा था, व्हाट द मैच रेसलिंग वॉज गोइंग ऑन, जो मैच चल रहा था उस मैच में ऐसा सभी लोगों को अनुभव हो रहा था, अनुमान लग रहा था कि विनर चार्ल्स होगा, लेकिन सारी आशाओं के विरुद्ध ठीक है क्या होता है विपरीत जो है ऑरलैंडो जो है ठीक है मैच जीत जाता है और चार्ल्स को उठा उठा के काफी बार पटकता है और लास्टली उसको नॉक हिम आउट कर देता है, उससे वो मैच में हरा देता है। तो यही बात यहाँ पे पूछी जा रही है। नेक्स्ट है, जब मैच जीत जाता है तो मैच जीतने के बाद जान रहे हैं सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा, सबसे ज़्यादा रोजेलिन और सीलिया, चूँकि वो लोग बड़ा सहानुभूति रख रहे थे, एक स्मार्ट लड़का है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न इसी से रिलेटेड है, व्हाट हैपेंस व्हेन ड्यूक फ्रेडरिक लर्न्स दैट द सर रोलैंड इज ऑरलैंडोज फादर। जब मैच जीत जाता है तो सारे लोग खुश होते हैं, जनता भी, सीलिया भी, रोजेलिंड भी, और कुछ देर के लिए ड्यूक फ्रेडरिक भी, कि बड़ा इतना नौजवान लड़का है मेरे राज्य में जो मेरे इतना बड़ा पहलवान चार्ल्स जैसा जो है पहलवान को हरा दिया है, ये लड़का आखिर में कौन है पता करता है। लेकिन जब पता चलता है कि यह जो है सर रोलैंड का क्या है पुत्र है, छोटा लड़का है, और वही सर रोलैंड जो ठीक है यह ड्यूक फ्रेडरिक का बड़ा भाई सीनियर ड्यूक फ्रेडरिक है, उसके साथ उसको भी यानी कि सर रोलैंड को हटा दिया था दरबार से उसका, क्योंकि वफादार आदमी था, कौन सर रोलैंड जो था ड्यूक सीनियर का बड़ा फेथफुल आदमी था, इसलिए सर रोलैंड को हटा दिया जाता है। और सर रोलैंड जो यानी कि ऑरलैंडो के फादर हैं उनकी डेथ भी हो चुकी है, तो जब ये बात जानता है कि सर रोलैंड का यह लड़का है तो क्या है उसको जो है ठीक है क्या करता है डिसलाइक करना स्टार्ट कर देता है, कौन ड्यूक फ्रेडरिक, किस कारण से, क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक के दुश्मन का बेटा था, ऐसा इसको ड्यूक फ्रेडरिक को लगता है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, द राइट आंसर इज ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, ही डिसलाइक ऑरलैंडो, क्या करता है वह ऑरलैंडो को डिसलाइक करता है यानी नापसंद करता है ठीक है, यही इसका जवाब है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट वर सर रोलैंड एंड ड्यूक फ्रेडरिक व्हेन सर रोलैंड वाज स्टिल अलाइव, क्या बोलता है व्हाट वर सर रोलैंड एंड ड्यूक फ्रेडरिक व्हेन सर रोलैंड वाज स्टिल अलाइव, बोलता है कि जब सर रोलैंड और ड्यूक फ्रेडरिक ठीक है जब जिंदा थे तो क्या था रोलैंड वाज स्टिल अलाइव ठीक है, तो कैसा उन लोगों के बीच में संबंध था, रिलेशन था, तो अभी बताएं दोनों में क्या संबंध था, एनिमीज का है, एनिमीज का कारण क्या है, कारण यह है कि यह जो है
सर रोलैंड यानी कि ऑरलैंडो और ओलिवर के फादर, यह बड़ा समर्थक थे, सपोर्टर थे किसके? ठीक है, तो यह समर्थक थे सीनियर ड्यूक का। सीनियर ड्यूक कौन? ड्यूक फेडरिक का जो बड़ा भाई है, जिसको वह जंगल निकास कर दिया है यानी वैनिस्ट कर दिया है। इस कारण से दोनों में क्या है? एनिमिटी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एनिमीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनिमीज। चलिए, तो इस सेक्शन में इतना ही रखते हैं, फिर अगले सेक्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो यह जुड़े रहिए इससे और अपनी, ठीक है, तैयारी को आंकते रहिए, ठीक है, और इसी तरह से, ठीक है, कंटिन्यूटी बनाए रखिए।